नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सूरज चौहान है और आप निकडेक चैनल पे आए हैं। आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं स्पॉट हीलिंग टूल के बारे में। ये एक फोटोशॉप का अमेजिंग टूल है जो कि किसी भी स्पॉट को, अनवांटेड स्पॉट को आसानी से रिमूव करने में आपकी मदद कर सकता है। आप इसका उपयोग बहुत अच्छे तरीके से, जितने अच्छे तरीके से और जितने आराम से करेंगे, ये फ़ोटोज़ को उतना अच्छा और उतना क्वालिटी देगा। ठीक है, तो देर नहीं करते हैं और चलते हैं वीडियो की ओर। आइए अब हम फोटोशॉप में देखते हैं कि कैसे स्किन को क्लियर किया जाता है या फिर स्किन पे हम लोग कैसे काम करते हैं। तो अभी मेरे डेस्कटॉप पे यहाँ पे मैंने एडिट करके एक फोल्डर रखा है, इसमें आपको दिख रहा होगा, मैं दिखाता हूँ, ये एडिटेड है। तो ये पिक्चर अभी खुल रही है फोटोशॉप में हमारे, अभी आपको दिख रहा होगा कि इनके स्किन पे कितने सारे दाने हैं। ठीक है, तो इन दानों को कैसे ठीक करना है आज वो हम सीखेंगे, या फिर स्किन में किसी भी तरह के दाग धब्बों को कैसे हटाना है वो हम आज ठीक करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। ये हमारा खुल गया है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले फोटोशॉप में आने के बाद, फ़ोटो को अपने लाने के बाद आप क्या करेंगे कि इसका एक डुप्लीकेट लेयर बना लेंगे। ठीक है, डुप्लीकेट लेयर इसलिए क्योंकि एक लेयर आपका सेफ रहे। अगर आप इस लेयर पे काम कर रहे हो, कुछ गड़बड़ हो जाए तो आपका एक लेयर कम से कम सेफ रहे। ठीक है, तो अभी हम इसको करेंगे जूम। ठीक है, और अब हम आएंगे अपने टूल बार में यहाँ पे, और यहाँ पे आते के साथ आप इस बटन को देखिए, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल के नाम से इसको जानते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसको यहाँ से करेंगे सेलेक्ट। अब अपने माउस के कर्सर को अल्ट दबा के अपने कर्सर को जैसे ही अंदर की ओर करेंगे, इसका साइज़ छोटा हो जाएगा। अदरवाइज अगर आपको साइज़ छोटा करना है तो आप छोटा बड़ा यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने अपना साइज इतना ब्रश कर रखा है, इसको मैंने सॉफ्ट ब्रश यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, हार्डनेस इसकी कम है तो हमने वो चूज़ कर लिया। अब हम और जूम करेंगे और देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये जो आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये जितने भी लाल लाल दाग धब्बे दिख रहे हैं, इनको हम धीरे धीरे हील करेंगे। हील करने के लिए बस सिंपली क्लिक करना है और चीज़ें गायब होती चल जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग पूरे स्किन पे काम करते हैं। और जब तक मैं स्किन पे काम करता हूँ, आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ताकि मैं और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँ फोटोशॉप की। और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि मैं आपको एक टिप्स दे सकूँ। ठीक है, ये फोटोशॉप की पहली वीडियो ट्यूटोरियल है, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको एक अच्छा सा टिप्स एंड ट्रिक दे पाए। आप आराम से करो, ज़्यादा अपना टाइम लो, जितना ज़्यादा टाइम ले सकते हैं। तो अभी आप देखो कि ये कैसे से कैसा होता है, आप दोनों में अंतर फर्क देख रहे हैं ना। तो ये है स्पॉट हीलिंग टूल, और इसका इतना बड़ा यूज़ हो सकता है अगर आप चाहो तो। आज का आपका क्विक टिप है कि आप यहाँ से पैच टूल लो, और आप पैच टूल की मदद से भी ये स्पॉट्स हटा सकते हो। उसको हटाने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, वैसे ही जैसे आपने उस पर क्लिक कर रहे थे, इसको बस सिंपली ऐसे राउंड करो, इसको क्लिक करो और ऐसे छोड़ दो, और ये गायब। ठीक है, तो ये दोनों टूल आपको स्पॉट हीलिंग ब्रश में मिल जाएगा, टूल में मिल जाएगा। तो आप ऐसे ही करके इन चीज़ों को गायब कर सकते हो। और जैसा कि मैंने बताया, जब तक मैं ये कर रहा हूँ तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आऊँ। तो अगर आप घर पे बैठे बैठे फ़ोटोशॉप सीखना चाहते हैं तो कमेंट में प्लीज़ बताइए, और भी अच्छी अच्छी ट्यूटोरियल्स मैं आपके लिए लाऊँगा। मैं अभी फ़िलहाल जल्दी जल्दी कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, लेकिन आप अपना थोड़ा टाइम लो और उसके बाद इसको करो ताकि एक अच्छा सा आपको मिले। जैसे मैं तो आपको कौन सी वाली ज़्यादा अच्छा लग रही है,
आप ये बताओ। ठीक है, इसमें मैंने टाइम नहीं लिया है तो ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है स्किन, लेकिन अगर आप जितना टाइम दोगे उतना अच्छे से स्पॉटिंग टूल्स काम करते हैं। ठीक है, इसमें और भी बहुत सारे टूल हैं, कंटेंट अवेयर का टूल भी है, रेड आई टूल भी है, अगर आप फोटो खींच रहे हो उस समय आँख में अगर लाल रोशनी आ जाती है तो वो भी हम लोग दूर कर सकते हैं इन सब चीज़ों की मदद से। तो आज के लिए वीडियो इतना ही, ज़्यादा लंबा मैं वीडियो करूँगा नहीं, छोटा छोटा टिप्स और ट्रिक्स आपके लिए लेके आया हूँ, तो बने रहिएगा चैनल पे हमारे। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय।